सो गाइस आज हम बताने वाले कुछ स्टेप का डार्क साइड ऑफ फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल जो हम पिक्सार्ट एप्लीकेशन से सिखाने वाले आप सबको। अगर इस तरह का एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा, तो अंत तक देखने के बाद ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो और एक बात, मेरे चैनल को तो आप वीडियो देखते हो बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को और 100K कंप्लीट कर दो। सो इस तरह का फोटो एडिटिंग करने के लिए हमें पहले पिक्सार्ट एप्लीकेशन को पहले ओपन कर लेना। तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ, देन हमें नीचे जो प्लस वाला आइकन है वहाँ पर टैप कर देना है और एडिट फोटो पर हमें टैप कर देने के बाद एक बैकग्राउंड का हमें ओपन कर लेना है। सो इस वाले बैकग्राउंड और पीएनजी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, वहाँ पर जाकर से डाउनलोड कर लेना। तो पहले स्टेप पर हमें क्या करना है, राइट साइड पर जो टूल्स है वहाँ पर हमें टैप कर देना है। ओके, तो यहाँ पर हमें टैप कर देने के बाद यहाँ पर हमें टीशर्ट पर हमें टैप कर देना है। देन यहाँ पर हमें नीचे के साइड पर इसे आना है। देन इसका ऑपेसिटी जो है, ऑपेसिटी को यहाँ पर मैं रख देता हूँ 80 के आसपास। देन यहाँ पर हमें डन कर देना है। तो अभी हमारा जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड रेडी होगा, तो अभी हमें मॉडल का पिक्चर को हमें ऐड कर लेना है। सो इसलिए हमें ऐड फोटो पर जाना है और ऐड फोटो पर जाने के बाद यहाँ पर पहले हमें यहाँ पर मून जो पीएनजी है इसे हमें ऐड कर लेना है और देन अभी हमें डन कर देना है। तो अभी हमें इसका जो ब्लेंडिंग मोड है चेंज करके हमें स्क्रीन कर देना है। तो स्क्रीन कर देने के बाद कुछ इस तरह से हमें रोटेट करके सेट कर देना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, देन यहाँ पर कुछ इस तरह से सेट कर देना है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपली राइट साइड पे ऐड फोटो पर टैप कर देना है और मॉडल का पिक्चर को हम ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर लिया हूँ। तो अभी हमें क्या करना है, सिंपली तो इस तरह से कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट करके सेट कर देना है। और आप लोगों का अगर कार्टून करना नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, आप जाकर सब वीडियो को देख सकते हो। तो अभी हमें क्या करना है, इससे हमें रोटेट कर लेना है। तो यहाँ पर रोटेट कर लिया हो, देन गाइस अभी हमें ब्लैक टोन में ले आ रहा है। सो इसलिए हमें क्या करना है, तो मैं थोड़ा सा पहले क्रॉप कर देता हूँ ताकि हमारा जो एडजस्टमेंट ठीक ठाक से मैं कर पाऊँ, इसलिए ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है गाइस, थोड़ा सा छोटा करके कुछ इस तरह से हमें सेट कर देना है। देन अभी हमें जो मॉडल का पिक्चर को हमें ब्लैक टोन में ले आना है। सो इसलिए हमें क्या करना है, इफेक्ट पर जाना है, देन यहाँ पर कलर्स पर हमें टैप कर देना है नीचे। देन यहाँ पर हमें ब्लैक एंड व्हाइट पर हमें टैप कर देने के बाद यहाँ पर अमाउंट को हमें फुल्ली जीरो कर देना है। देन अभी हमें सिंपली ऊपर राइट वाला आइकन पर टैप कर देना है। देन अभी हमें क्या करना है, कुछ इस तरह से सेट कर देना है। तो आप लोग के हिसाब से आप लोग भी कुछ इस तरह से एडजस्टमेंट कर लेना, मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो अभी हमारे मॉडल का पिक्चर को ऐड कर देने के बाद अभी हमें ऐड फोटो पर फिर से जाना है और कुछ पीएनजी को हमें ऐड कर लेना है। सो सिंपली यहाँ पर जो बार्ड पीएनजी है इसे हमें ऐड कर लेना है और ये वाला जो लाइट वाला पीएनजी है इसे हमें ऐड कर लेना है। तो लाइट वाला जो पीएनजी इसे मैं राइट साइड पर रख देता हूँ। देन ये वाला जो बार्ड पीएनजी है इसे हमें कुछ तरह से छोटा कर लेना है और इस तरह से हमें मून के ऊपर सेट कर देना है। देन सेकेंड जो पीएनजी है इसे भी हमें लेना है। देन यहाँ पर ऑपोजिट को थोड़ा सा कम कर लेना है और कुछ इस तरह से आप सब भी कर लेना। ओके, तो इतना काम कर देने के बाद अभी हमें आ जाना है यहाँ पर लाइट वाला जो पीएनजी था उस पर हमें आ जाना है। देन इसका जो ब्लेंडिंग मोड है, ब्लेंडिंग मोड को मैं चेंज करके स्किन कर देता हूँ। तो स्किन कर देने के बाद अभी हमें क्या करना है, ऊपर की साइड पर सेट कर देना है। तो अभी हमें लेफ्ट साइड पे जो ये आइकन है, आइकन पर हमें टैप कर देना है और इसे हमें मूव डाउन कर लेना है। तो ये पीछे हट जाएगा जो पीएनजी लाइट वाला, तो पीछे हट जाएगा। देन यहाँ पर हमें ऑपेसिटी को थोड़ा सा मैं यहाँ पर कम कर लेता हूँ, तो फिर 88 पर रख देता हूँ। देन इसे हमें डन कर लेना है और हमें और एक डुप्लीकेट पार्ट को ले लेना है। देन यहाँ पर हमें सिंपली मूव डाउन कर लेना है और कुछ इस तरह से इसका ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम करके सेट कर देना है। तो अभी हमारा जो काम है वो कम्प्लीट हो गया। तो अभी हमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपली ऊपर डन पर हमें टैप कर देना है। तो टैप कर देने के बाद अभी हमें फिर से जाना है ऐड फोर पर और एक विग्नेट जो इफेक्ट है उसको हमें ऐड कर लेना है और कुछ इस तरह से हमें एडजस्ट करके नीचे के साइड पर सेट कर देना। तो अभी हमारा जो पिक्चर वो थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है, तो कुछ इस तरह से आप लोग भी कर लेना। ओके, तो गाइस अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सिंपली टेक्स्ट पर हमें टैप कर देना है और यहाँ पर आप लोग अपना नाम भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एलोन। तो एलोन लिख देने के बाद यहाँ पर हमें सिंपली डन पर हमें टैप कर देना है। देन यहाँ पर हमें यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर बहुत सारा फॉन्ट भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग के हिसाब से आप लोग यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर कलर को मैं व्हाइट ही रख देता हूँ। तो कलर को व्हाइट रख देने के बाद यहाँ पर स्ट्रोक का कलर को यहाँ पर ब्लैक रखने के बाद कुछ इस तरह से हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। देन अभी हमें इसका शैडो को इंक्रीज कर देना है। देन यहाँ पर शैडो कलर को मैं व्हाइट पर रख देता हूँ। तो इससे हमारा जो नियोन जैसा लगे, तो इसलिए मैं व्हाइट कलर को रख देता हूँ, ठीक है। तो अभी हमें पोजीशन को कुछ इस तरह से सेट कर लेना है
तो FR 100 कर लेना है, देन कुछ तरह से सेव कर देना है। तो मैं FR फॉन्ट को चेंज कर देता हूँ, तो FR में फॉन्ट पर टैप कर देना है, देन FR बहुत सारा फॉन्ट मिल जाएगा आप लोगों को देखने के लिए। तो FR माय फॉन्ट पर चले जाऊँगा मैं, तो FR बहुत सारा फॉन्ट को मैं ऐड कर लियो पहले से ही। देन अभी हमें कुछ तरह से सेट कर देना है, तो इस तरह से सेट कर देने के बाद अभी हमें ये वाला जो फॉन्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है, देख सकते हो गाइस। तो अभी हमें क्या करना है, स्पेसिंग जो ऑप्शन है ना, तो सिंपली यहाँ पर नीचे स्पेसिंग ऑप्शन पर हमें टैप कर देना है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कितना फॉन्ट है मेरे पास, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप लोग अगर चाहते हो कि ऐसा ही कुछ फॉन्ट ऐड करना, तो आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हो गाइस, बहुत सारे वीडियो में पहले से ही बना के रख दिया था। तो स्पेसिंग पर हमें टैप कर देने के बाद यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से स्पेसिंग रखना है, यहाँ पर 30 रख देना है, देन कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पर बड़ा भी सकते हो, तो यहाँ पर मैं इतना ही रख देता हूँ। देन कुछ इस तरह से बड़ा करके हमें नीचे के साइड पर सेट कर देना, और थोड़ा सा मैं नीचे के साइड पर सेट कर देता हूँ। देन अभी हमें कुछ नहीं करना, बस पिक्चर को हमें सेव कर लेना है। तो अभी हमारा जो पिक्चर है उसको हमें सेव कर लेना है। सो सेव करने के लिए लेफ्ट साइड पे ये वाला आइकन पर टैप करने के बाद जो पिक्चर था वो सेव हो जाएगा गैलरी में। सो फ्रेंड्स, ये वाला जो वीडियो था वो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को कर देने के लाइक, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते मत भूलना, इसलिए वीडियो देखने के लिए, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लेना।